नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। राहुल गांधी की बढ़ती ताकत से बीजेपी आरएसएस ही नहीं मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी घबराए हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की आंधी इतनी तेज है कि पूछना ही नहीं। और अब राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। ।2024 के बाद से मोदी बीजेपी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और अब पहली बार चुनाव के बाद 3 महीने के अंदर बीजेपी 2 महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा और कश्मीर हार रही है और इसी हार से बीजेपी के अंदर काफी उथल पुथल मची हुई है और हर तरफ भय का माहौल है। पहले बीजेपी के नेता इस बात से डरे हैं कि 8 अक्टूबर के बाद कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष और किसकी बात मानी जाएगी, मोदी या आरएसएस। जानकारों की माने तो आरएसएस इस बार जीत पर अड़ा है। चाहे जो हो जाए, अध्यक्ष पद बीजेपी का नहीं बल्कि हमारा होगा, ये लगातार आरएसएस कह रहा है। जबकि मोदी चाहते हैं कि संगठन में पकड़ मजबूत बनाने के लिए अध्यक्ष अपना होना चाहिए। इसी बीच लड़ाई जारी है और इसी बीच हरियाणा का रिजल्ट भी आ रहा है, जहां राहुल गांधी का जलवा दिख रहा है। उसी कड़ी में किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर मुसलमानों को लेकर हमला बोला है। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट मानती है। चुनावों के दौरान कांग्रेस कहती है कि उसका 15% वोट शेयर मुस्लिम वोट आरक्षित है। ये पार्टी की मानसिकता दर्शाता है। ये मुसलमानों के लिए भी बड़ा नुकसान है। केंद्रीय मंत्री ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस का मूल प्लान यही है कि मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखो और हिंदुओं को बांटो। मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है। राहुल गांधी की बढ़ती ताकत को देख रिजिजू मुसलमानों से हटकर संविधान और आरक्षण पर चले गए। संविधान को लेकर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति का नेता प्रतिपक्ष होना एक श्राप है, क्योंकि उन्होंने संविधान की मूल भावनाओं को नहीं पढ़ा है। बाबा साहिब अम्बेडकर का उनके परिवार ने अपमान किया है। कांग्रेस ने 60 साल तक पूर्वोत्तर के राज्यों को नजरअंदाज किया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर में है और पहले कोई उनकी बात नहीं सुनता था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद उग्रवादियों ने हथियार छोड़ दिए हैं और मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। मणिपुर की एक घटना को छोड़कर पूरा पूर्वोत्तर शांत है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ फैलाते हैं कि मणिपुर में शांति नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे और क्यों रिजिजू गुस्से में है। जानकारी देते चलें कि इस समय राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर है, मोदी की पॉपुलैरिटी गिरावट में है। तो ऐसे में अब बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है और कुछ नहीं। जानकार कह रहे हैं कि ये तीखापन आगे और बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की रफ्तार आगे बढ़ेगी और बीजेपी पीछे रह जाएगी, तो गुस्सा तो आएगा ही। देखना ये होगा कि आगे महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आने वाला है, ऐसे में नेताओं की जुबान कितनी तीखी होती है। फिलहाल जिस तरीके से अब किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।